कटान एक तरीके का ही हो सकता है। कटान में कभी भी आप ईस्ट की तरफ नहीं काट सकते और नॉर्थ की तरफ नहीं काट सकते, नॉर्थ ईस्ट वाली भूमि में। इसमें आप देखेंगे अगर यहां कटान करता हूं मैं ऐसे इसको, तो यहां भी ये भी नहीं रहेगा। कटने का मतलब तो कट ही गया ना बिल्कुल, ये भी नहीं रहेगा। ये नॉर्थ ईस्ट कटी हुई भूमि है। नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा शौचालय नहीं बनाते, लेट्रिन नहीं बनाते, बाथरूम नहीं बनाते, कोई भी टॉयलेट का कोई किसी भी सीट नहीं डालते इस टाइप में, मलमूत्र नहीं डालते वहां पर, गंदगी नहीं डालते वहां पर, कोई गंदगी नहीं डालते क्योंकि यहां पर वास्तु पुरुष का सर होता है, ये हमें बताया गया है। और हमने ये विद्या जो एक्टिवेट की है तो उसमें इसी हिसाब से एक्टिवेट किया है, हमने मान के कि वास्तु पुरुष है और वास्तु पुरुष का यहाँ पर सर होता है, ये हेड जो है ना ये सर होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, वो नहीं लिया जाता है इसमें। वो उतना खराब नहीं है जितना खराब ये होता है कि एक कटी हुई भूमि हो, वहां तो सर पे गंदगी कर रहे हैं, यहां तो सर खत्म हो गया, न सोच पाएगा आदमी, न समझ पाएगा आदमी, न जी पाएगा, न शांत रह पाएगा। ये बहुत ही खराब तरीके की भूमि होती है जहां पर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो, लेनी नहीं चाहिए। अगर ले कोई और आपके सामने पड़ गया ऐसे में कि देखते देखते में, जैसे अननोन आदमी को हम कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं इसको, कि अननोन आदमी को हम देखते जाते हैं अपने अनुभव के लिए, कि ये आदमी अगर आपको दिख जाता है कि इसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो आप वहां पर खुद चले जाओ, नहीं वास्तु मानने वाला है तो भी आप वहां पर चले जाओ, बता दो आपको ये प्रॉब्लम होती होगी, आप इस प्रॉब्लम का इलाज करवा दो, या नहीं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम तो आपको होती होगी, उनके पास ये प्रॉब्लम्स तो होंगी नॉर्थ ईस्ट के कटे हुए से, कि एक तो उनके घर में पढ़ा लिखा नहीं होगा ठीक ठाक कोई, ये पहली प्रॉब्लम आप समझ लो, दिमाग ही नहीं चलेगा, है ही नहीं। दूसरा उलझे हुए लोग होंगे, उनको कंफ्यूज होंगे, वो समझ में नहीं आता होगा उनके, उनके बातों में ना तकिया कलाम होगा कि समझ में नहीं आता है, पता नहीं, ऐसे लोग बोलेंगे, ज्यादातर लोग बोलेंगे ये कटे हुए भूमि पे, ज्यादातर लोग बोलेंगे, उनको आप देख लीजिए आप बातों ही बातें पता नहीं, और फिर बोले पता नहीं, फिर वो किसी बिना बात पे ही पता नहीं, पता नहीं पहले निकलेगा उसके में, आप पहले समझ लो इसमें प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट कटे हुए भूमि में, या जब भवन पे हम बात करेंगे तो बातों से कैसे हम वास्तु को समझ जाएंगे ये हम बात करेंगे जब भवन पे बात करेंगे। साउथ ईस्ट कटा हुआ भूमि हो, ये कटा हुआ है, अगर ये आधे से ज्यादा होता यहां पर, ये ध्यान रखिएगा एक बार और कटे हुए को समझ लीजिए, अगर ये आधे से ज्यादा होता यहां पर, ये इतना कटा हुआ होता आधे से ज्यादा, तो ये नॉर्थ ईस्ट बढ़ी हुई भूमि हो जाती है। आधे से कम में जब कटे को ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना कभी कभार रेमेडी कर देते हैं कटा समझ के, ये कटा हुआ यहां पर ये तो है ही नहीं और ये इतना है, ये रेमेडी भी वहां काम नहीं करती है और रेमेडी गलत होती है। वो ये साउथ ईस्ट कटे हुए भूमि में अधिकतर आप देखेंगे वहां पर आदमी कुछ भी करके आ जाएगा, कितना भी करके आ जाएगा, एक तो काम ही नहीं कर पाएगा, ज्यादा रजस की शक्ति नहीं होती उसमें, उसके अंदर रजस का गुण नहीं होता, एक तो काम कम कर पाएगा, काम मिल कम पाएगा उसको, काम के लिए जा कम पाएगा, और अगर वो पूरे दिन काम करता भी रहेगा ना तो 2000 4000 5000 का काम करके आएगा, 150-150 रुपए अपने किसी तरह से जीविकोपार्जन के लिए लेकर आएगा, और वो भी उसका भी कोई ठीक नहीं कि एक दिन उसे ना मिले, ये कटी हुई भूमि हो। तो फैक्ट्री में अगर ये कटी हुई भूमि हो तो पेमेंट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण यही होता है, लेबर के काम ना करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, लेबर जो अगर फैक्ट्री में है, और वो मैं फैक्ट्री क्यों बोल रहा हूं, साउथ की तरफ जाते ही ये ध्यान रखिएगा, पहले हम बोल चुके हैं लेबर के काम ना करने का, पेमेंट ब्लॉकेज का, कैश इन हैंड में कमी होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि ये कटी हुई भूमि है, या ये भूमि कहीं ना कहीं से कटे होने का प्रभाव दे रही है। उसके और भी कारण होते हैं, जैसे हम भूमि से आगे बढ़ेंगे
तो उसके और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं कटे हुए होने का, वो हम इसको पढ़ेंगे। अभी ये है कि भूमि के कटान का हम ये देख रहे हैं कि ये कैसे भूमि कटती है, इसके कटे होने से क्या होता है। अगर ये भूमि पूरी भी है तो किस वजह से ये भूमि कटे हुए का असर दे रही है। साउथ वेस्ट कटी हुई भूमि में मैंने वही बताया कि मैं आपसे जो कनेक्टेड हो रहा हूं वो इस शरीर के माध्यम से। अगर मेरे अंदर मेरे केवल जानकारी से कनेक्टेड नहीं हो सकता ठीक से मैं, जब तक मेरे ब्लड में वो चीजें नहीं हो, अनुभव में ना हो। अभिव्यक्ति मुझे ये शरीर दे सकता है, अनुभव ये शरीर मुझे नहीं, अनुभव मैं हूं, मेरा अनुभव जो है वो मैं हूं, वो अनुभव आपसे कनेक्टेड हो रहा है अभिव्यक्ति के माध्यम से। अगर मेरा अनुभव अभिव्यक्ति ना कर पाए, एक वो रीजन होता है इस कटे होने से, दूसरा जो होता है इसका रिजल्ट होता है इस कटे होने का, ऐसे फैमिली में संतान नव विवाहित, एक तो विवाह भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, विवाह हो भी गया तो नव विवाहित को संतान नहीं हो पाता है, संतान ना ठहरने की प्रॉब्लम रहती है। यहां पर कटा हुआ है जो बच्चा पैदा होगा या ग्यारह साल अगर इस घर में रह गया कोई, जितना पीरियड है उसका, ग्यारह साल अगर इस घर में रह गया कोई, चार साल अगर आके मेहमान, अगर इसमें चार साल आके किरायेदार भी रह गया ऐसे घर में, किरायेदार पे भी चार साल में इफेक्ट पड़ जाता है। ग्यारह साल से जो नॉन स्टॉप इसमें रह रहा है, मकान का मालिक है, और वो उस पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, जो बच्चा पैदा होता है उस पर भी पड़ता है। पितृदोष नामक एक चीज होती है ज्योतिष में, पितृदोष का असर पड़ जाता है अगर ये भूमि कटी हुई हो। आदमी ठहर नहीं पाता, कर्ज में डूबा हुआ होता है, ठहर नहीं पाता, अगर किसी वजह से और चीजों को करके वो कमा भी लेता है तो कर्ज को कभी निपटा नहीं पाता। वो अगर 50 कमाएगा खर्च कर लेगा, 70 की देनदारी रहेगी उसकी, 20 रुपए उस पर कर्ज पड़े रहेंगे, ज्यादा ही पड़े रहेंगे कर्ज। ये भूमि अच्छी नहीं होती, इस जिस तरह से ये ईशान कटी हुई भूमि अच्छी नहीं होती, उससे ज्यादा खराब होती है ये कटे हुए भूमि में। कटी हुई भूमि अच्छी क्यों नहीं होती, देखिए इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और छह भुजा और पांच कोण वाली। अभी जो एक सज्जन है उन्होंने ऊपर पूछा था कि पांच कोण वाली भूमि कैसी होती है, पांच कोण वाली भूमि ऐसी होती है कि कटी हुई होती है कहीं ना कहीं से, उसमें छह भुजाएं होती हैं। इसमें एक दो तीन चार पांच और छह भुजा वाली भूमि हो गई, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण, ये पांच कोण वाली भूमि हो गई। ये छह कोण वाली नहीं होती, ये कोई कोण नहीं है, ये पांच कोण वाली भूमि हो गई और छह भुजाओं वाली भूमि हो गई। छह भुजाओं वाली भूमि वैसे अच्छी नहीं होती है, पांच भुजाओं वाली भूमि भी अच्छी नहीं होती, सात और आठ भुजाओं वाली भूमि भी अच्छी नहीं होती। ज्योतिष में कहा गया है तीन कोण, पांच कोण और सात कोण, ये तीनों भूमि अच्छी नहीं होती वास्तु में। वास्तु में कहा गया है कि तीन और तीन, पांच और सात, तीनों कोण वाली भूमि अच्छी नहीं होती, इसको लेना ही नहीं चाहिए आदमी को, ले तो रेमेडी करा के इसको चार कोण वाली कराए। चार कोण वाली सारी भूमि अच्छी होती है, साइज पे मैटर करता है, जो साइज मैंने आपको पीछे बताया था उस साइज को आप भूमि को बना लीजिए, उस साइज के हिसाब से भूमि को खरीदिए, वो भूमि अच्छी होती है। नॉर्थ वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, नॉर्थ वेस्ट बढ़ी हुई भी खराब होती है, कटी हुई भी खराब होती है।